हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। हाँ जी प्यारे बच्चों, आज जो हमने स्टार्ट करना है क्लास 10th का हमारा जो 5th चैप्टर चल रहा है AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, उसकी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। आज हमारा ये 5th चैप्टर का लास्ट लेक्चर हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए हमें क्या कर रहे हैं, कहना फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, ठीक है। 0 एंड 50 के बीच में ऑड नंबर्स की बात की गई है, तो सबसे पहले आप ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होंगे, 1, 3, 5, 7, --, and 49, क्लियर। अब आपके पास आपको ये क्लियर है कि 50 तक 25 आपके पास ये बनने हैं, ठीक है। और 25 आपके पास ऑलरेडी, अगर आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर आपने, ठीक है, पिछले लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 किया था इसी एक्सरसाइज का, उसके अंदर ऑड नंबर्स के सम्स का फार्मूला n की पावर 2 फाइंड आउट किया था। ये 25 टर्म्स है, तो 25 की स्क्वायर इट मीन्स 625 आपके क्वेश्चन का आंसर बनना चाहिए, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम वेरीफाई देखेंगे हमें सॉल्व करते हुए। तो सबसे पहले तो फर्स्टली आपकी डायरेक्ट हम किसी इसकी नंबर ऑफ काउंटिंग्स नहीं लिख सकते। आपके पास ए फर्स्ट टर्म कितनी है, 1, एंड कॉमन डिफरेंस 3 - 1 = 2, ठीक है। एंड द लास्ट टर्म मीन्स nth टर्म इज 49। एंड नाउ आपके पास a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 49, सो आप पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d, a 1 एंड n इज 2 एंड नाउ इज 49, सो 1 + 2n - 2 इज इक्वल टू 49। नाउ 2n 49, 1 आपके पास राइट साइड में जाके नेगेटिव हो जाएगा, 2 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। 49 - 1 = 58 + 2 = 50, सो n 50/2 इट मीन्स 25 आपके पास, ठीक है। ये पहला स्टेप तो आपका क्लियर होगा जो हमने भी डायरेक्ट बात की थी। अब सम ऑफ n टर्म्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो n/2 क्योंकि आपके पास लास्ट टर्म है, तो a प्लस l फार्मूला हम यूज करेंगे। n आपके पास 25/2, फर्स्ट टर्म 1 एंड द लास्ट टर्म 49, ठीक है। एंड 25/2 × 50, 2 ones are 1, 25 2 are 50, 25 × 25 आपके पास 25 की स्क्वेयर होगा एक प्रकार से, इट मीन्स 625, ठीक है। ये आपके पास आपके क्वेश्चंस का आंसर बन जाएगा, क्लियर। इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेना अपना। एंड अगेन नाउ हम देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। इसको हमने किस प्रकार से सॉल्व करना है उसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे हमारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ द कंप्लीटेशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलो, ₹200 फर्स्ट डे, ₹250 फॉर द सेकेंड डे एंड ₹300 फॉर द थर्ड डे, द पेनल्टी फॉर द ईच सक्सेसफुली डे बीइंग ए ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। आपके पास देखें एपी ऑफ द पेनल्टी, ठीक है, एपी ऑफ पेनल्टी, अब ये आपको गिवन कर रही है, ठीक है, कितनी, ₹200, ₹250 एंड ₹300 --, ठीक है। आपके पास जो आपकी फर्स्ट टर्म बनेगी यहाँ से, नाउ फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, ए मीन्स 200 एंड द कॉमन डिफरेंस 250 - 200, इट इज 50। और इन्होंने आपको ये गिवन भी कर रखा है कि हर पर डे आपका जो फाइन है वो ₹50 इंक्रीज होता चला जाता है। मीन्स अगर कॉन्ट्रैक्टर ने एक दिन काम लेट किया तो उसे 200 फाइन रुपीज़ लगेगा। अगर कॉन्ट्रैक्टर ने 2 डेज फाइन किया, इट मीन्स ये नहीं है कि उसको 250 लगेगा, मीन्स फर्स्ट डे का उसको 200 लगेगा एंड सेकेंड डे का उसको, ठीक है, सेकेंड डे का उसको 250 लगेगा। मीन्स 2 डे वर्क लेट करने के कारण टोटल उसको ₹450 पे करने पड़ेंगे। मान लीजिए उसने वर्क 3 डे लेट किया तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डे का तीनों दिन का अलग अलग फाइन लगेगा। फर्स्ट डे का 200, सेकेंड डे का 250, थर्ड डे का 300, तो टोटल उसको 750 पे करने होंगे पेनल्टी के रूप में। बट आपको यहाँ क्या गिवन कर रहा है वो, ठीक है, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी, कह रहा है मैं, इफ ही हैज डिले द वर्क बाय द 30 डेज, अगर उसने 30 डेज के अंदर काम की देरी कर दी तो, इट मीन्स आपके पास जो आपका नंबर ऑफ टर्म्स है वो क्या बन जाएगा, 30 बन जाएगा। अब सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला, n/2 to a + n - 1 × d, ठीक है। एंड नाउ आपको सम ऑफ 30 टर्म्स निकालना है, तो पुट द वैल्यू ऑफ n 30/2,
2a इज मीन्स 200 प्लस n माइनस 1 30 माइनस 1 29 इंटू डी डी इज द 50 टू वन जा वन 15 टू जा 30 सो नाउ 15 इंटू 400 प्लस 29 इंटू 50 1450 इट मीन्स 15 इंटू 1850 ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे हम इन दोनों की ठीक है और मल्टीप्लाई करके देखेंगे हमारे पास क्या बनेगा। ये अप्रॉक्सीमेट आपके पास 27,000 अप्रॉक्सीमेट एग्जैक्टली बनेगा 27,750 रुपीज ठीक है। ये आपके पास आपके क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा क्लियर। एंड नेक्स्ट देखेंगे हम इसी प्रकार से सेम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 इसके अंदर हम देखेंगे हमें क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 16 में हमें कह रहा है ए सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइजेस इज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ इस प्राइज ठीक है। अब सम नंबर ऑफ प्राइजेस की बात करें हम सबसे पहले तो ठीक है नंबर ऑफ प्राइजेस इट मीन्स एन 7 आपके पास ठीक है एंड सम ऑफ सेवन प्राइजेस इट मीन्स सम ऑफ 7 दिया गया आपको 700 ठीक है एंड द कॉमन डिफरेंस आपके पास ठीक है लेट हम फर्स्ट टर्म लेट कर लेते हैं लेट द फर्स्ट प्राइज आपके पास इट मीन्स फर्स्ट टर्म होगी आपके पास ए ठीक है ए रुपीज हमने लेट कर ली एंड द कॉमन डिफरेंस क्योंकि जो प्राइस डाउन हो रहा है ठीक है अगर फर्स्ट प्राइस आपके पास 100 रुपीज होगा तो सेकंड आपके पास 80 थर्ड 60 इस टाइप से बनेगा तो ये आपके पास लेस हो रहा है तो माइनस 20 करेंगे हम इसको ठीक है। अब आपके पास नाउ सम बिकॉज सिंस सम ऑफ 7 टर्म्स इज 700 सो 7 बाय 2 टू ए प्लस 7 माइनस 1 6 डी इज इक्वल टू 700 टू ए प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है माइनस 20 एंड 700 टू बाय 7 आपके पास 7 बाय 2 था राइट साइड में जाके 2 बाय 7 हो जाएगा 7 वन जा 7 700 था टू 700 ठीक है। सो आपके पास क्या वैल्यू बन जाएगी यहाँ से 2a माइनस 120 इज इक्वल टू 200 सो 2a इज इक्वल टू 200 प्लस 120 इज इक्वल टू 320 ठीक है। सो a आपके पास 320 बाय 2 इज इक्वल टू 160 ठीक है। ये आपके पास आपका फर्स्ट प्राइज आ गया लेकिन हमें ये हमारा आंसर आ गया लेकिन हमें इसको आंसर नहीं मेंशन करना इन्होंने पूछा हमसे सभी प्राइजेस की प्राइस क्या मिलेंगे इसको ठीक है हमें सभी प्राइजेस के बारे में बताना है वैल्यू ऑफ आपके पास क्योंकि उन्होंने कहा था कि सभी की वैल्यू बताएं वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस ठीक है। फर्स्ट प्राइज अगर 160 का सेकंड 20 लेस होकर 140 नेक्स्ट 120 नेक्स्ट 100 नेक्स्ट 80 नेक्स्ट 60 काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 हो गए सो नेक्स्ट आपके पास 40 आप चेक करना चाहें ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर बन गया ठीक है। और अगर आप चेक करना चाहें तो देख भी सकते हैं ये 100 बन गया ये आपके पास 300 हो गया सॉरी ये 100 हो गया और ये आप ये तीनों 300 हो गया आपके पास ये 300 हो गए 300 600 प्लस 100 700 आपके पास आपके क्वेश्चंस का ठीक है जो आपको गिवन था क्वेश्चंस के अंदर क्लियर। एंड नेक्स्ट देखेंगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 ठीक है इसके अंदर आपको क्या गिवन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर हमें क्या है इन ए स्कूल ठीक है एक स्कूल के अंदर आपके पास स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन द अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन इन एंड अराउंड कहता है स्कूल के अंदर और बाहर की तरफ वो प्लांट्स लगाने का प्रोग्राम बनाते हैं ठीक है ताकि एयर पोल्यूशन कम हो सके। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज ये डिसाइड किया गया कि नंबर ऑफ ट्रीज कैसे लगेंगे द ईच सेक्शन ऑफ द ईच क्लास विल प्लांट विल बी सेम एज द क्लास मीन जो उसकी क्लास है उतने ही वो प्लांट लगाएगा हर सेक्शन उसका। मान लीजिए 7th क्लास है तो 7 ट्रीज लगेंगे हर सेक्शन के 5 सेक्शन है तो 5 सेक्शन ऐसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए सेक्शन ऑफ क्लास प्लस 1 विल प्लांट 1 ट्री ए सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड सॉरी प्लस 1 क्या प्लस फर्स्ट था आपका फॉर एग्जाम्पल ए सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री ए सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड विल प्लांट 2 ट्री सो ऑन द टिल क्लास प्लस 2 देर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास ठीक है नंबर ऑफ सेक्शंस ठीक है नंबर ऑफ सेक्शंस ऑफ ईच क्लास इन्होंने यहां स्पेशल फिक्स ही कर दिया 3 सेक्शंस ठीक है।
सो नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है, सो नंबर ऑफ प्लांट्स किसने किन्होंने करने अपने, क्लास फर्स्ट की बात करें हम, ठीक है, सो नंबर ऑफ प्लांट्स बाय क्लास फर्स्ट वन, आपके पास वन क्लास है, वन ट्री लगाना उसने, लेकिन तीन सेक्शन है तो थ्री ट्रीज लगेंगी। सो नंबर ऑफ प्लांट्स बाय क्लास सेकंड, सेकंड क्लास है टू तो थ्री मीन्स सिक्स ट्रीज लगेंगी। नंबर ऑफ प्लांट्स बाय क्लास थर्ड तो थ्री इंटू थ्री नाइन ट्रीज लगेंगी, ठीक है। सो आपके पास ए पी ऑफ ट्रीज क्या बन जाएगी, थ्री सिक्स नाइन डैश 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 क्लास ट्वेल्थ तक चलेगा, तो ट्वेल्थ के अंदर ट्वेल्व ट्रीज लगाएंगे तो ट्वेल्थ थ्री ज़ा 36। आप इसको लिखना चाहें डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, नहीं करना चाहें तो आप अपने फॉर्मूले का ही डिफरेंस पड़ेगा और कुछ नहीं है। सो यहाँ से देखिए ए आपकी फर्स्ट टर्म कितनी होगी, थ्री, एंड डी कॉमन डिफरेंस सिक्स माइनस थ्री थ्री, एंड द एन आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स ट्वेल्व, एंड एल मीन्स लास्ट टर्म आपकी 36। सो सम ऑफ एन टर्म्स एन बाई टू ए प्लस एल, अगर आप एल टर्म्स का यूज नहीं करते हैं तो टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी उस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। सो नाउ आपके पास सम ऑफ ट्वेल्व टर्म्स, ट्वेल्व बाई टू, ए आपके पास कितना थ्री है, एल आपके पास नाउ 36, टू वन जा वन, टू सिक्स जा ट्वेल्व, ठीक है। सो सिक्स इंटू 39 इट मीन्स आपके पास क्या बन जाएगा 234, ठीक है, ट्रीज। ये आपके पास आपके क्वेश्चंस का आंसर बन जाएगा, क्लियर। एंड नेक्स्ट देखेंगे आपके पास, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, उसके अंदर हमें क्या कह रहा है करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर भी आपके पास इसी टाइप के अंदर क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, उसमें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हमें कह रहा है स्पिरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर्स अल्टरनेट ए एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विद द सेंटर एट ए ऑफ रेडिया 0.5 सेंटीमीटर, मींस ए और बी दो पॉइंट्स थे, ए को सेंटर लेकर मान लीजिए हमने 0.5 ही मान लेते हैं, 0.5 का हाफ सर्कल लगा दिया, ठीक है। फिर आपके पास सेंटर इस पॉइंट पर ले लिया और 1 सेंटीमीटर रेडियस ले ली, तो 0.5 और 0.5 ही हो गया तो 1 हो गया, तो यहां से सर्कल स्टार्ट हुआ आपके पास, यहां तक तो ये चलना ही चलना था, आगे यहां तक आ गया आपके पास, ठीक है, ये चीज होगी। फिर आगे आपके पास हमने वापस ए को ले लिया, क्योंकि 1 डिस्टेंस ये होगी थी, 0.5 ये होगी आपके पास, तो 1.5 होगी। फिर यहां से आपके पास चलते हुए इस प्रकार से नेक्स्ट आपका सर्कल चला, ठीक है, स्प्रिल बना, और इस स्प्रिल के अकॉर्डिंग आपके पास इन्होंने कहा है, एज शोन इन द फिगर व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्प्रिल मेड अप द 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स, इस प्रकार से लगातार 13 सर्कल्स आप बनाए तो उसे कितना मिलेगा हमारे पास, ठीक है, हमें उसके बारे में बात करनी है। अब आपके पास देखें एपी ऑफ रेडियस, ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, डैश डैश डैश, मीन्स अगर आप इसको डेसिमल सिस्टम को खत्म करें तो 1/2, 1, 3/2, 2 डैश डैश हो जाएगा। एंड पेरीमीटर का आपके पास ये कहेंगे सर्कमफेरेंस का फार्मूला, ठीक है, सर्कमफेरेंस आपके पास ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल का फार्मूला 2 पाई होता है, सेमी होगा तो हाफ हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होकर मीन्स आप डायरेक्ट पाई आर लिख सकते हैं इसको, पाई आर हमारे पास इसका फॉर्मूला हो गया। सो आपके पास एपी ऑफ सर्कमफेरेंस, ठीक है, एपी ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल्स, 1 आर आपके पास 1/2 है तो 1/2 पाई हो गया, 1 है तो 1 पाई हो गया, 3/2 है तो 3/2 पाई हो गया, 2 है तो 2 पाई हो गया, ठीक है, अप टू डैश 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 आपके पास, ठीक है। इट मींस ए आपकी फर्स्ट टर्म क्या बन गई, हाफ पाई, एंड डी आपके पास सेकंड टर्म में से हमने फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, 1 में से आप माइनस करेंगे तो हाफ पाई हो जाएगा, एंड एन मींस नंबर ऑफ टर्म्स 13, क्योंकि उन्होंने कहा 13 आपके पास बनती हैं, ठीक है, तो इससे जो स्प्रिल बना है हमारे पास, तो सम ऑफ एन टर्म्स आपके पास एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। सो सम ऑफ 13 टर्म्स 13/2, 2a a कितने 1/2 एंड हाफ पे हो गया, हाफ पाई हो गया आपका, एंड 13 माइनस 1 12 हो गया, d आपके पास फिर हाफ पाई हो गया, ठीक है। अब आपके पास यहां से अगर हम देखें 2 से 2 कैंसिल्स आपके पास, ठीक है, एंड 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, सो 13/2 इंटू
वन पाई एंड सिक्स पाई क्या हो जाएगा, सेवन पाई। और पाई की अगर हम वैल्यू रख देते हैं हमारे पास, पाई क्या होता है 22/7, सेवन से सेवन कैंसिल, टू वन ज़ा टू, इलेवन टू ज़ा 22, 13 × 11 143 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्लियर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, उसके अंदर हमें क्या कह रहा है करने के लिए उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर भी इसी प्रकार टाइप के अंदर आपको क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। हमें क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं के अंदर 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉग्स इन द बॉटम रो। आपके पास देखिए क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर हमारे पास एपी ऑफ लॉग्स, ठीक है, एपी ऑफ लॉग्स आपके पास। अब इन्होंने क्या कहा है, फर्स्ट आपके पास 20 है फर्स्ट बॉटम के अंदर, फिर 19, फिर 18 अप टू डैश डैश डैश, ठीक है, एंड 19 इन द नेक्स्ट रो एंड 18 द नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। इन हाउ मेनी रोज आर टू द आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और सबसे टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे हमें उसके बारे में भी बताना है, ठीक है। अब आपके पास यहां से देखिए अगर हम एपी ऑफ लॉग्स आपके पास, ठीक है, एपी ऑफ लॉग्स के अंदर आपके पास क्या चीज क्या कंसेप्ट बना हमारा, ठीक है, यहाँ की अगर हम बात करते हैं कि कितना आपके पास कंसेप्ट बनना है इसने उस चीज के अंदर आपके पास, तो इसमें फर्स्ट टर्म देखिए आपके पास क्या है 20 एंड डी आपका कॉमन डिफरेंस 19 माइनस 20 माइनस 1 एंड सम ऑफ एन टर्म्स आपके पास 200 लॉग्स है आपके पास टोटल, ठीक है। अब सिंस नंबर ऑफ टर्म्स सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स 200 सो एन बाय 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 200, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। एंड नाउ एन की आपके पास वैल्यू है नहीं, ठीक है, और 200 को 2 बाय 2 को दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई कर देंगे राइट साइड के अंदर, डिवाइड था इस तरफ राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2a a कितना है 20 प्लस n की वैल्यू हमें पता नहीं, d कितना आपके पास माइनस 1, सो n 40 माइनस n एंड प्लस 1 आपके पास 400, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40n माइनस n की पावर 2 प्लस n, 400 को लेफ्ट साइड में ले आए तो नेगेटिव हो गया आपके पास, माइनस एन की पावर 2 प्लस 41n माइनस 400 इक्वल टू 0। यहां से आपके पास हमने नेगेटिव टर्म्स को खत्म कर देंगे, ठीक है, फर्स्ट कोफिशिएंट हम नेगेटिव ही रखते हैं, एन की पावर 2 माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0, सो यहां से n आपके इसके फैक्टर में आएंगे तो 25n 16 n माइनस 25 n माइनस 16 इक्वल टू 0, सो n इक्वल टू 25n 16, ठीक है। अब आप देखें क्योंकि नीचे आपने 20 लॉग्स लगे रखे हैं, ठीक है, और फिर 19 फिर 20, इसके 20th रो के अंदर 1 लॉग होगा तो उससे ऊपर तो जा ही नहीं सकते हमारे पास, ठीक है, इट मींस आपका जो 25 आंसर है वो पॉसिबल ही नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कर देंगे, ठीक है, n इज इक्वल टू 25 इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 25 इज ग्रेटर देन 20, ठीक है, ये से बड़ा नंबर है आपके पास, क्लियर, ये आप सिंपल मेंशन कर सकते हैं बिकॉज n इज लेस देन 20, ठीक है, और इंग्लिश में मेंशन लिखना चाहे तो आप इस प्रकार से लिखते हैं बिकॉज n मस्ट बी लेस देन 20, ठीक है, 20 से लेस देन होना चाहिए, सो n की वैल्यू कितनी बन गई आपके पास 16 बन गई, ठीक है। अब इन्होंने कहा था कि सबसे टॉप जो उसका ब्लॉक है, ठीक है, उसके ऊपर कितने हमारे पास पड़े होंगे उसके बारे में बताना है, इट मींस आपको 16 टर्म फाइंड आउट करनी है, तो a प्लस 15 डी, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, ए की वैल्यू 20 प्लस 15 इंटू डी कितने आपके पास माइनस 1, सो 20 माइनस 15 इट मींस 5, ठीक है, ये आपके पास आपके क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा, क्लियर, इस तरीके से आपने पता कर लेना, ठीक है। आपको इन्होंने कहा था कि टॉप रो के अंदर, ठीक है, आप इस प्रकार से लिखते हैं, सो नंबर ऑफ लॉग्स, ठीक है, इन द टॉप रो, इन द टॉप रो मीन 16th रो के अंदर 5th, ठीक है, ये आपके पास आपके क्वेश्चंस का आंसर होगा, क्लियर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके पास एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चंस, ठीक है, इसके अंदर देखिए हमें क्या कह रहा है करने के लिए, इसके अंदर भी आपको जैसे मैंने बात की 15th क्वेश्चन से हम एक प्रकार से जनरल एप्लीकेशन स्टार्ट की हुई है हमने, ठीक है ना,
तो उसी के बेस पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए आपको क्या कह रहा है ये, कहना क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड इन द स्ट्रेट पॉइंट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मान लीजिए आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ एक बकेट रख दी गई है था विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, ठीक है, जो आपके पास इससे 5 मीटर की दूरी पर आपके पास एक फर्स्ट पोटैटो रखा गया, ठीक है, एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और फिर अदर पोटैटोज आपके पास 3 मीटर्स की डिस्टेंस पर रखे गए, देर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, ठीक है, 10 पोटैटोज आपके पास लाइन के अंदर थे, एंड कंपिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, कंपिटिटर यहाँ से स्टार्ट करते हैं बकेट से पास से, क्लियर, एंड पिक द नियरेस्ट पोटैटो, सबसे पहले अपने यहाँ पहुँचते हैं, इस पोटैटो को पिक करता है, उठाता है, ठीक है, एंड बैक विद इट ड्रॉप्स इन द बकेट, और वापस जाकर क्या कर देता है उसको बकेट के अंदर डाल देता है, मीन्स 5 मीटर जाता है और 5 मीटर वापस होता है, तो आपके पास एक पहला पोटैटो डल जाता है और उसने 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेता है, ठीक है, एंड द एंड रन्स बैक टू द पिक ऑफ द नेक्स्ट पोटैटो एंड रन्स टू द बकेट तो ड्रॉप इट इट एंड द कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल द ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट। फिर क्या करते हैं अगले पोटैटो के लिए भागते हैं वो, तो 5 + 3 मीन्स 8 मीटर जाता है, पोटैटो पिक करता है और फिर वापस भाग लेता है और उसके अंदर सेकेंड पोटैटो पिक कर देता है, 8 जाता है तो 8 आपके पास बैक करता है, इट मीन्स वो 16, ठीक है, इस प्रकार से वो डिस्टेंस को कवर करता है और 10 पोटैटो थे, ठीक है, उस प्रकार से बताना कि उसने 10 पोटैटो को उठाकर वापस बकेट में डालने के अंदर टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की, ठीक है, हमें उसके बारे में बताना है। अब उसी चीज के अकॉर्डिंग हम देखते हैं हमारे पास कि कितना बनेगा उसका, क्या उसके लिए हम स्टेटमेंट को लिखेंगे हमारे पास, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय, ठीक है, पिक आपके पास फॉर बाइंग हम ये कहते हैं फॉर फर्स्ट पोटैटो, ठीक है, फर्स्ट पोटैटो पिक एंड ड्रॉप इन बकेट 2 × 5 इट मीन्स 10 मीटर, डिस्टेंस कवर्ड फॉर सेकेंड पोटैटो पिक एंड ड्रॉप इन द बकेट 2 × 5 + 3 हो जाएगा, इट मीन्स 2 × 8 इट मीन्स 16 मीटर बन जाएगा, सो डिस्टेंस कवर्ड फॉर थर्ड पोटैटो पिक एंड ड्रॉप इन बकेट, ठीक है, थर्ड पोटैटो को उठाया और उसको मतलब कि बकेट के अंदर डाला वापस जाकर, तो 2 × 5 + 3 फिर नेक्स्ट आपके पास फिर अगेन 3 मीटर पर हो जाएगा आपके पास वो, सो 2 × 11 इट मीन्स 22 मीटर बन जाएगा, ठीक है, सो एपी ऑफ डिस्टेंस आपके पास अगर हम बात करें एपी ऑफ डिस्टेंस क्या बन जाएगी आपके पास 10, 16, 22 up to ... ए आपके पास क्या हो गया 10 एंड डी 16 - 10 इज 6 एंड नंबर ऑफ टर्म्स 10 पोटैटो है तो एन आपके पास क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इन्होंने टोटल डिस्टेंस पूछी आपके पास सम ऑफ एन टर्म्स एन बाई 2 2a + n - 1 × d आपके पास, ठीक है, अब n की वैल्यू आपके पास देखें क्योंकि यहाँ पर 10 आपको गिवन है तो 10 बाई 2 आपके पास हो जाएगी 2a, ए 10 है आपके पास, 10 - 1 9 हो जाएगा, d आपके पास 6 है, 2 1s are 1 5 2s are 10 5 हो जाएगा into 10 2s are 20 9 6s are 54 सो 5 × 74 इट मीन्स 370, ठीक है, ये आपके पास सम ऑफ n टर्म 10 टर्म्स आ गया मीन्स टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय, ठीक है, सो टोटल डिस्टेंस आपके पास एक प्रकार से हम सिंपल शब्दों में यूज कर लेंगे तो वो आपके पास कितनी बन गई 370 मीटर, ठीक है, ये आपके पास आपके क्वेश्चंस का आंसर बन जाएगा, क्लियर, ठीक है, इस तरीके से आपने जो क्वेश्चंस है एक्सरसाइज उसके सभी को कवर कर लेना है और आपके जो फिफ्थ चैप्टर है, ठीक है, इसके जो एग्जांपल्स हैं आप उन सभी को कवर करेंगे अपने आप ही खुद और उनमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उनके लिए स्पेशल मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा, ठीक है, आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको जरूर शेयर करें और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9541207734, ठीक है, विजय बंसल, आप इस नंबर पर भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं,
आपको किसी भी स्पेशल क्लास की वीडियो चाहिए हो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल विजय जाखल बंसल मैथ पर आपको 9 to 12 कॉम्पिटिशन मैथ की, ठीक है, रीजनिंग की आपके पास, ठीक है, इन सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। क्लियर, 9 to 12 मैथ का आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों ही मिल जाएंगे। 100% आपके पास मैथ की वीडियोज जो है सिलेबस कवर किया हुआ है मेरे चैनल पर। क्लियर, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।